फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल एजिन निरमॉर्ड तो अभी हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो इसमें हम इलेवंथ क्लास की एन सी आर टी के मेन लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे मेन लाइन्स को कवर करेंगे और जो क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करेंगे राइट right? जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं सो अभी हम देखते हैं कि ये ऑनेस्ट मेयर की आपको फोटो दी गई है ओके okay? तो इस फोटो में आपको कहा गया है कि इसमें मेन चीज़ क्या है कि अर्नेस्ट मेयर को अर्नेस्ट मेयर एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और उन्हें डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी भी कहा गया है सो so ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये है कि इन्होंने क्या क्या काम किया ही ऑल्सो पाइनियर्ड एंड करंटली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज ठीक है उन्होंने जो आज के टाइम में बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन है उसको पहले ही बता दिया गया था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में उनका पूरा पूरा योगदान है ठीक है और ये किस किस कौन से कौन से फील्ड में इनकी रिसर्च थी और निंथोलॉजी में टेक्सोनोमी में जू जियोग्राफी में इवोल्यूशन में सिस्टमैटिक्स में राइट right? तो ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है ओके सो नेक्स्ट वॉट इज़ लिविंग वॉट इज़ लिविंग से क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इंक्रीज इन माथ एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ठीक है क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ग्रोथ के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो दो करेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ठीक है ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ और अब इन्होंने शॉर्ट में फीचर्स दे रखे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या क्या रहेंगे ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस मतलब कॉन्शियसनेस ठीक है एंड uh, उसके बाद है इसमें दे रखा है मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज तो ये जो क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स लगा लीजिए और इन्हीं फीचर्स को आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा गया है ठीक है पढ़ाया गया है सो so, अब इन्होंने बोला है कि क्या कि ग्रोथ ऑफ सेल ठीक है प्लांट प्लांट में जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती रहती है ठीक है पर एनिमल्स में एक सर्टेन लेवल तक उसकी ग्रोथ को देखा जाता है उसके बाद वो ग्रोथ मतलब इस तरीके से होती है कि अगर कोई टिश्यू वगैरह टर्न आउट हो जाए उसको मतलब लोस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए होती है ये हमने ग्रोथ और ग्रोथ इस इन्होंने यूँ बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में भी हो जाते हैं ग्रोथ तो ग्रोथ को इन्होंने एक असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना है आपके एक ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का या नॉन लिविंग होने का तो so, यहाँ पे दे रखा है कि हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाई एक्यूमलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस ठीक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ uh, किसी सर्फेस uh, के ऊपर एक्यूमलेशन के कारण भी हो सकती है और सो डेड ऑर्गेनिज़म्स डज नॉट ग्रो और डेड डेड ऑर्गेनिजम्स हालांकि ग्रो करते नहीं है तो ग्रोथ को देयर फोर इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया है ठीक है क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उसको आ, निकालेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब उसके बाद रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना है पर बाकी इन्होंने रिप्रोडक्शन में जो जो चीज़ें बताई हैं वो हम देखेंगे और रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे ठीक है रिप्रोडक्शन में आपने देखना है ही हीस्ट और हाइड्रा कैसे आ, रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग के थ्रू प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं फ्लैटफॉर्म्स भी बोलते हैं ठीक है थीके? और ये क्या करते हैं ट्रू रीजनरेशन करते हैं टू ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्ट कोई लॉस्ट हो गया ना तो उस पार्ट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ठीक है ये ट्रू रीजनरेशन है और मोरफोलैक्सिस आपका डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है तो वो हम रिप्रोडक्शन में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो फंजाय फिलामेंटस एलगी और मोसिस मोसिस कैसे करते हैं आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ठीक है पंजाए फिलामेंटस एल्गी आपके मल्टी मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ओके और यूनिसेलर एल्गे अमीबा वगैरह भी ये ग्रो करते हैं पर ये ये जो यूनिसेलर एल्गे में है ना इनमें ग्रोथ को इन्होंने सिनोनिमस माना है आपके रिप्रोडक्शन से क्योंकि ग्रोथ को ग्रोथ को इन्होंने सेल डिवीजन बोला था पहले पिछले वाले उसमें तो और रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है सेल डिवीजन होता है तो वही है इन्होंने सिनोमिनस मान लिया तो मतलब इन्होंने बोला है कि मतलब मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते जैसे म्यूल्स हो गया ठीक है वर्कर बीज, बीज हो गया इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिविंग नहीं है ठीक है तो लिविंग इस इस फैक्टर को आप क्या नहीं मान सकते एक यूनिक uh, कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते उसके बाद मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन दे रखी है ठीक है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ केमिकल सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन्स ये यहाँ दे रखिए ऑल केमिकल रिएक्शन बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ठीक है मेटाबॉलिज्म को इन्होंने मान लिया है ठीक है क्योंकि वाइल्ड मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है ये मेटाबोलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो इसको इन्होंने क्या माना है आपका डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी जिसमें कि सेल आता है सेल से टिश्यू बनता है टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है ऑर्गन लेवल होता है फिर ऑर्गेनिज्म बनता है तो सेलुलर ऑर्गैन ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने डिफाइनिंग फीचर माना है आपके किस चीज़ का लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओके तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है उसके बाद कॉन्शियसनेस को भी इन्होंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इन्होंने तीन चीज़ों को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी तक माना है मेटाबॉलिज्म को माना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को माना है और कॉन्शियसनेस को माना है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस uh, को इन्होंने कैसे बताया है कि कॉन्शियसनेस uh, हर एक इंडिविजुअल में होती है जो एक्सटर्नल स्टिमिलाई के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पांस होता है वो फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो तो उसको उसको हम कहते हैं कि मतलब uh, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियस है तो हर uh, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस तो चलते हैं, होते हैं मेटाबॉलिज्म होता है तो एक ना एक तरीके का रिस्पॉन्स कोई भी बॉडी प्रोड्यूस करती है ठीक है तो सी फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स तो फोटो पीरियड सनलाइट वगैरह के रिस्पॉन्स में इनका इफेक्ट शो होता है तो इसलिए कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के राइट तो और सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली एबिलिटी किसमें होती है ह्यूमन बींग्स में ये भी आप चीज़ याद कर सकते हो तो आपके एग्जाम में है ना आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी तो आपसे ये पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं आपको स्टेटमेंट ये दे दी कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एनिमल्स ये आपको स्टेटमेंट दे दी और ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स के अंदर दे दिया है ठीक है और ये पूछेंगे विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट तो अब आपने ये जो मेन मेन लाइन्स पढ़ी होंगी तो आपको वो स्टेटमेंट पता चल जाएगी कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अब उसके बाद इन्होंने इसके अंदर हम आते हैं तो ऑर्गेनिज्म के अब देर फोर वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटरिंग देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे जो इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं सेल्फ रेप्लीकेटिंग होते इवॉल्विंग इवौल्व, होते सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं इंटरक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टमिलाय ओके तो ये हो गया आपका मेन 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 लाइंस तो अब हम आते हैं इसका मेजर पार्ट पे ये नंबर्स भी आपको याद करने हैं द नंबर ऑफ स्पीशीज़ अब हम आ गए द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन वन टू वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन स्पीशीज़ ठीक है हमें अभी तक इन, इन इतनी मिलियन स्पीशीज़ का पता लगाया गया है और इन सब के कॉन्ग्रेगेशन को हम बायोडावर्सिटी बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मतलब कि मतलब नंबर में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या उनके फीचर्स में हर चीज़ में डाइवर्सिटी है तो इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं राइट right? तो उसके बाद कौन सी आपकी लाइन ज़रूरी है देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए स्पीशीज़ हो गए तो किसी हिसाब से तो उसको स्टैंडर्डाइज़ करेंगे नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर कहते हैं नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ताकि एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड रहे तो इस प्रोसेस को आप नोमेनक्लेचर कहते हैं नोमेनक्लेचर अगर नेमिंग करने के लिए तो पहले हमें तो हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आइडेंटिफिकेशन आपका मेन मेजर स्टेप रहता है एक मेजर आपका रूल है नोमेनक्लेचर में ठीक है तो उसके बाद ये आईसीबीएन uh, आईसीजेन बच्चा इसके क्वेश्चन आ रखे हैं आपके फीसकी बताओ फुल फॉर्म बताओ तो ये दोनों की आ आ सकती है तो आई हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल बोटेनिकल नोमनक्लेचर राइट इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोम और आई का बोटेनिकल की जगह जगह आप क्या कर दोगे जोआलॉजिकल नोम उसके बाद इन्होंने बाइनोमियल नोमक्लेचर के बारे में दिया गया कि बाइनोमियल तो इसमें दो चीज़ें होंगी एक इसमें जेनरिक नेम हो जाता है दूसरा इसमें क्या आता है स्पेसिफिक एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट में आपका स्पीशीज आता है कि भाई ये कौन सी स्पीशीज है तो अभी हम देखते हैं इन सब चीजों को राइट right? आईसीবিএন आपके 2007 के अंदर ये पूछा गया था आईसीবিএন की आप क्या बताएं आईसीবিএন की इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर की फुल फॉर्म बताएं आईसीजेन की भी आ सकती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमनक्लेचर उसके बादचर नोमन में भीचर को होगा। जेनरिक नेम में आपके मेजरली जीनस आता है और स्पेसिफिक एपिथेट में स्पीशीज आ जाती है ओके तो ये बायनोमियल नोम दिया किसने था ये लीनियस ने दिया था ठीक है ये भी नाम याद रखना कि बायनोमियल नोमक्लेचर किसने दिया गया था ठीक है डिस बाइनोमियल नोवन क्लेचर ये कार्ल कार्ल्स लीनियस ने प्रैक्टिस किया गया था ये नेमिंग की एक टेक्निक है उसके बाद इस इन्होंने नेमिंग के रूल्स दे रखे और ये नेमिंग के रूल्स पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपके 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो अगर आप ये कौन सी लैंग्वेज में होता है पहली चीज़ तो ये लैंग्वेज कौन सी होती है लैटिन होती है ओके लैंग्वेज आपकी लैटिन होती है और कैसे लिखा जाता है इटैलिक्स में लिखा जाता है लैंग्वेज लैटिन होती है और इटैलिक्स में इनको लिखा जाता है रिटर्न इन इटैलिक्स दूसरा इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस ठीक है वो जीनस है और सेकंड कंपोनेंट आपका है स्पेसिफिक एपिथेट है सेकंड कंपोनेंट आपका स्पेसिफिक एपिथेट है बाइनोमियल है तो दो चीज़ होंगी पहला जीनस है और सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद अगर इसको हैंड रिटर्न लिखेंगे वैन हैंड रिटन अंडरलाइन सेपरेटली ठीक है ये सेपरेटली को ध्यान रखना सेपरेटली बच्चे भूल जाते हैं ठीक है अंडरलाइन तो करेंगे पर सेपरेटली मैग्नीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे इंडिगा को अलग से अंडरलाइन करेंगे ठीक है तो फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस एंड कैपिटल लेटर जो पहला वर्ड होएगा वो जीनस को डिनोट करेगा उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो दूसरा है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट होएगा जो कि स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा जैसे कि इसमें इंडिका को लिखा गया है तो अगर ऑथर अपीयर्स टू अगर किसी ऑथर का नेम मेंशन करना होता है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम तो उसको ऐसे लिखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका और लीनियस एल आई डबल एन जो एल आई डबल एन और फिर डॉट है ना ये लीनियस ने इसको वो किया था फर्स्ट इसको डिनोट किया था तो इसको ऐसे लिखा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका नीट टू में आया गया है ओके तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं देखो हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस अगर लीनियस ने दिया है तो मैग्नेफेरा इंडिका और एल आई एन एन करके ये पीछे आ जाएगा उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर गए हैं क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन की यहाँ पे डेफ़िनेशन uh, आपको याद करनी है क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रूप्ड इनटू टू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी uh, मतलब जो दिखाई देने वाली करेक्ट्रिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे आप जो ऑर्गेनिजम्स uh, हैं उनको ग्रुप कर देते हैं आप डिफरेंट कैटेगरी में ठीक है और इन साइंटिफिक uh, टर्म इस कैटेगरी को जो दी गई है वो है टैक्सा ठीक है इन कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं टैक्सा तो ये चीज़ आपको याद करनी है और फिर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफा कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफ़रेंट टैक्सा ठीक है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे देखो ये वन लाइन तो हर हर आपके ऑर्गेनिज्म को आप किसी डिफरेंट टैक्सा के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो क्लासिफाई कर सकते हो तो ये जो प्रोसेस होगा आपके क्लासिफिकेशन का इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे टेक्सोनमी राइट टेक्सोनमी हो गया समझ गए और टैक्सा क्या होता है ठीक है वो भी आप समझ चुके हैं उसके बाद एक्सटर्नल ये ऐसे करके आ सकता है ये क्वेश्चन एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल ठीक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का बेसिक्स क्या है ठीक है अब पूछ लेंगे और उसमें ये तीन चार चीज़ें दे, दे देंगे और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑड और ऐड कर देंगे ठीक है तो अब आ, जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप ओड वन आउट कर देंगे और आप आंसर की तरफ कंक्लूड कर पाएंगे तो आपका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है जो बाहर से और इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है डेवलपमेंट प्रोसेस उनका कैसा होता है

क्लासिफाई करेंगे ठीक है और फिर नोम क्लेचर उनको नेमिंग देंगे ये आपके बेसिक्स हैं टेक्सोनमी के राइट right? अब आप यहाँ पे आए तो आपसे ये सिस्टमा नेचर है ठीक है ये किसकी वो है कार्लस लीनियस की ये है आपकी पब्लिकेशन है अब आपको यूं पूछ लेंगे कि ये किसने किसने इस पब्लिकेशन को वो पब्लिश किया था वो वॉज द ऑथर तो आपसे इसका ऑथर पूछेंगे तो लीनियस इसके ऑथर हैं तो ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू ए सिस्टमैटिक्स ठीक है और ये नेमिंग और ये इस चीज सब चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स तो सिस्टमैटिक्स का वर्ड कहाँ से लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब सिस्टमा होता था सिस्टमा systema मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट राइट right, तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और सिस्टमैटिक्स में एक और चीज़ आती है ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करके पूछ लेंगे आ, कि क्या इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्लूड होती है या नहीं तो येस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए आपके सिस्टमैटिक्स को देखा जाता है उसके बाद टेक्सोमिक कैटेगरीज में आते हैं आपका टेक्सोन टैक्सोन को हमने रैंक uh, भी बोलते हैं ठीक है इसको कैटेगरी भी बोलते हैं ये सब आपका टेक्सोन है उसके बाद आप किस चीज़ में आते हैं उसके बाद आप स्पीशीज uh, स्पीशीज में आते हैं तो जो स्पीशीज़ होती है वो फंडामेंटल यूनिट लगा लीजिए ठीक है जैसे सेल की फंडामेंटल यूनिट होगी तो ऐसे ही यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट स्पीशीज होगी मतलब जिनके अंदर सेम सेम सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक स्पीशीज़ ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है जैसे इन्होंने में एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीफेरा इंडिका सोलेनम टुब्रोसम ठीक है एपन्थेरा लियो ठीक है ऑल थ्री नेम्स इंडिका टुब्रोसम लियो ये सब आपके क्या है स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब ये किस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारी सेम रिलेटेड स्पीशीज आपके क्या, क्या ग्रुप कर जाती हैं जीनस बनाती हैं ठीक है ठीके? तो अगर सेम स्पीशीज़ होएंगी वो एक जीनस के अंदर आएंगे जैसे लायन है लियोपर्ड है पेंथेरा लियो लियोपर्ड का पेंथेरा पैराडस टाइगर का पेंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स तो ये कौन से जीनस के अंदर आते हैं ये आपके पेंथेरा जीनस के अंडर ही आते हैं फिर हम फैमिली पे जाते हैं तो फैमिली में क्या है फैमिली बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज़ जैसे बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज़ आपकी फ़ैमिली बना लेंगे तो जैसे फैमिली सोलेनेसी होगी तो इसके इसके अंदर सोलानम आ जाएगा ठीक है इसके अंदर सोलेनम आ जाएगा पटूनिया आ जाएगा दतूरा ये किसके अंदर आ गए फैमिली सोलेनेसी राइट तो ये हो गया इसके बाद फैमिली होगी और बहुत सारी सिमिलर फैमिली बन के आपका क्या बनेंगी बहुत सारे सिमिलर फैमिली आपका मिलके आपका ऑर्डर बनाती हैं ठीक है ठीके? और बहुत सारे सिमिलर ऑर्डर बन के आपका क्या बनाते हैं क्लास बनाते हैं जैसे ऑर्डर प्रीमेट हो गया जिसके जिसके अंदर आपके मोंकी गोरिल्ला गिबन ये सब आ गए तो इनकी क्लास क्या होगी इनकी क्लास होगी एनीमे मेमेलिया ठीक है मेमेलिया इनकी क्लास हो गई उसके बाद बहुत सारी सिमिलर क्लास आपकी कंपराइज करके क्या बनाएंगी फाइलम बनाएंगे जैसे फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स ये आपके डिफरेंट फाइलम हो गए उसके बाद किंगडम बन गए जैसे फनजाए हो गया प्लांटे हो गया एनिमेलिया हो गया ये आपके किंगडम हो गए राइट तो देखो अगर हम इसकी हायर बनाएंगे तो हायर ऐसे होएगी कि हायर के बेसिक्स में आपके आएगा स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ के बहुत सारे मिलके आपके जीनस बनाते हैं सेम जीनस किसके अंदर आ, बहुत सारे जीनस इकट्ठे होकर आपके फैमिली बनाते हैं बहुत सारी फैमिली इकट्ठी होकर ऑर्डर बनाती हैं ऑर्डर इकट्ठे होकर क्लास बनाते हैं और क्लास इकट्ठे होकर फाइलम बनाते हैं और फिर किंगडम बनाते हैं कैसे ये किंगडम्स आए वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे फिर से बता रही हूँ बच्चा ये क्विक रिकैप है जो जिन लोगों का एग्जाम ट्वेंटी सिक्स को है तो आप जल्दी जल्दी अपनी एन सी आर टी इस कवर करें और इन इन चीज़ों को ध्यान रखें अब जैसे इन्होंने मैन का ले लगा लिया होमोसेपियंस होमोसेपिय हो गया ठीक है होमो इनका जीनस हो गया फैमिली होमनीडी होगी ऑर्डर प्रिमेटा हो गया ठीक है क्लास मेमेलिया फाइलम कॉर्डेट तो ऐसे ही होता है मैंगो का हो गया मैग्निफेरा इंडिका का ये एनाकार सी स्पिन डाइकोट एंड एनजीओ तो ये इन सब चीजों को याद करना जो चीज बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में दे गई है वो तो आपको याद करनी ही करनी है उसको आप कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते उसके बाद आपकी आ गई टेक्सोनोमिकल एड्स ठीक है टेक्सोनमिक को अगर आप मतलब चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग एड्स तो मतलब टेक्निक्स तो चाहिए तो इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं स्टोर करने की प्रिजर्व करने की ठीक है इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ स्पेसिमेन की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है तो ये सब आपकी डिफरेंट टेक्सोनमिकल एड्स के कारण आपका क्या होता है पॉसिबल होता है ठीक है तो इसमें देर आर फंडामेंटल स्टडीज़ यूज इन ट्रेनिंग इट्स यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले क्लासिफिकेशन ऑफ़ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं ये इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज़ स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंट स्पेसिमेंस के साथ उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लगाया जाता है और स्पेसीमेंट को फर्दर प्रिजर्व करके रखा जाता है फर्दर स्टडीज़ के लिए ठीक है तो अब हर्बेरियम हर्बेरियम क्या होता है हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज ये ध्यान रखना हर्ब ठीक है प्लांट्स में होती है तो ये मेजरली आपका प्लांट स्पेसिमेंट्स के होगा इसमें कोई आपके क्या कहते हैं एनिमल्स के कोई स्पेसिमेंट्स नहीं होंगे जिनको ड्राई करके प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा गया है हर्बेरियम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चा और ये मैच द कॉलम में भी आ जाते हैं जैसे नीट टू थाउजेंड एटीन में आया था हर्बेरियम की म्यूजियम कैटलॉग तो वो ये पूरा क्वेश्चन किससे बन के आ गया टेक्सोनोमिकल एड से बन के आ गया दो से तीन क्वेश्चन आपके ये फर्स्ट चैप्टर से बनते ही बनते हैं तो हर्बेरियम हो गया जिसको ड्राई प्रेस और प्रिजर्व करके रखा जाता है शीट्स के ऊपर ओके उसके बाद जैसे ये इन्होंने हर्बेरियम को दिखा दिया इसके अंदर एक चीज़ है ये शीट्स कैसी होती हैं स्पेसिमल अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन हर्बेरियम हर्बेरियम शीट्स जो हरबेरियम शीट्स होती हैं उसके अंदर स्पेसिफिन की स्पेसिफिन की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है ठीक है स्टोर हाउस में रिपोजिटरी की तरह उनको रखा जाता है ठीक है फ्यूचर यूज़ के लिए हरबेरियम ऑल्सो कैरी अ लेबल लेबल कैरी करते हैं उसके अंदर क्या होता है लेबल के अंदर क्या क्या लिखा जाता है तो इस चीज़ के ऊपर भी आपका क्वेश्चन था तो उसमें डेट होती है प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है लोकल होता है जैसे उसका नाम होता है या फिर जो उसका बोटेनिकल नेम इंग्लिश नेम लोकल नेम बोटेनिकल नेम ये सब चीज़ होती है उसकी फैमिली मेंशन की जाती है कलेक्टर का नाम भी होता है हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्रिक क्विक रेफरल टू द टेक्सोनमिकल स्टडीज ठीक है क्विक रेफरेंस होता है जल्दी से अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो एक तो इसमें जो ये क्या क्या कैरी करता है इस चीज़ को बहुत ही आप नोट करके रखें क्योंकि इसमें भी आता है आपके नीट में 2016 में आया था द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी ठीक है क्या चीज़ वो कैरी नहीं करता जब आपको यूँ पता है कि वो कैरी क्या, क्या करता है तो ऑब्वियसली वो कौन सी चीज़ नहीं कैरी करेगा वो आपको आ जाएगा जैसे इसमें बताया था डेट ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्टर लोकल नेम्स एंड हाइट ऑफ प्लांट तो आप आंसर जान सकते हैं आंसर इसका क्या आएगा हाइट ऑफ प्लांट क्योंकि इसमें इंग्लिश लोकल बोटैनिकल नेम्स हैं डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है कलेक्टर का नाम भी इंक्लूडेड है फैमिली भी इंक्लूडेड है तो अगली बार अगर क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है इसमें आपके क्या कहते हैं ये जो ऑप्शन है उनको चेंज कर दिया जाएगा बोटैनिकल गार्डन्स हैं तो बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं इनके ये भी मेजरली आपके प्लांट्स स्पीशीज के लिए होते हैं बोटैनिकली आ गया तो प्लांट के लिए हैं तो इनको लेबल करके रख रखा गया है स्पेशलाइज गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स ठीक है जैसे इसमें तो प्रिजर्व करके रखा गया था इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं फॉर रेफरेंस ठीक है आपका जैसे हो गया बोटैनिकल गार्डन्स इंडियन बोटैनिकल गार्डन एट हावड़ा इंडिया नेशनल बोटैनिकल रिसर्च लखनऊ इंडिया तो ये हैं म्यूजियम क्या होता है म्यूजियम में आपका जनरली सेटअप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं आपके म्यूजियम स्कूल वगैरह में होते हैं आपने देखे होंगे स्पेसीमेंट को यहाँ पे क्या करके रखा जाता है स्पेसिमेंट्स आर एंड कंटेन कंटेनर्स और जार्स एंड प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डाल के रखा जाता है जार के अंदर बंद करके रखा जाता है आपने देखे होंगे जो सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ फॉर्मेलिन होता है वैसे आपको इतना अभी जानने की जरूरत नहीं है प्लांट एंड स्पेसिमेंट्स प्लांट और एनिमल म्यूज़ियम के अंदर दोनों आएंगे ठीक है अगर म्यूज़ियम आपके उसमें हर्बेरियम में वो एनिमल का कर जिक्र करे तो वो बिल्कुल गलत है ठीक है और म्यूजियम में आपके एनिमल का कर जिक्र करे और प्लांट का इसमें दोनों स्पेसिमेंट्स आ जाएंगे जिनको और उसके अंदर जैसे इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में इंसेक्ट को कलेक्ट कराया जाता है किल करके और पिन कर दिया जाता है ठीक है और लार्जर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ कुछ स्टफिंग करके उनको प्रिजर्व किया जाता है ठीक है और म्यूजियम में आपके स्केलेटल्स भी होते हैं आपने स्कूल में देखा ही होगा वो ढांचे हड्डियों के ढांचे भी आपको दिखाई देते हैं तो उसके बाद जुअलॉजिकल पार्क है जुअलॉजिकल पार्क में क्या है जूलॉजिकल पार्क तो ऑब्वियसली इसमें एनिमल स्पीशीज आएंगी जैसे बोटेनिकल में आपके प्लांट स्पीशीज़ आई इसमें मेजरली एनिमल स्पीशीज आएंगी और क्यों इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ये भी चीज़ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्ट प्रोटेक्टिव एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है प्रोटेक्टिव एनवायरमेंटल कंडीशन टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स ठीक है उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में जानने के लिए उनको एक उनके uh, मतलब सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में उन्हें रखा जाता है ओके और इनको हम मेजरली uh, आपको जूलॉजिकल पार्टस भी बोल देते हैं और या फिर जू भी बोल देते हैं ओके की की के ऊपर क्वेश्चन आता है की के ऊपर क्वेश्चन आता है की इज़ एन अनदर टेक्सोनिकल एड ठीक है इसमें किस किस चीज़ के बेस के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट कर किया जाता है एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें भी याद रखें ये दोनों चीज़ प्लांट्स और एनिमल दोनों की दोनों हैं और इसमें इनका कैटेगराइजेशन इनका सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे होता है द की इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन पेयर इनपेयर कॉलस कपलेट कपलेट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में रिसेंटली ही आया हुआ है तो ये कॉपलेट क्या हो गया और जो ये आ, रैंक और टैक्सोन और ये मैंने आपको बताया था इसके ऊपर भी क्वेश्चन था और लीनियस के को किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है बाइनोमियल नोमिनिचर का ये भी आपका नाइनटीन नाइनटी थ्री तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये मेजरली आपके रिपीटेटिव भी हो जाते हैं बहुत बार तो पुरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करना बेहद ज़रूरी है सो so, तो ये हो गया कि ईज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कपलेट सी 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 इसका आंसर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके ट्रेड्स में भी होता है ठीक है पर आ, उसको हम कपलेट यहाँ पे हम कपलेट बोलेंगे जबकि अगर ये टेक्सोनोमिकल एड का आपका क्वेश्चन है कि आपका क्या है एनालिटिकल नेचर में होती है ठीक है और ईच स्टेटमेंट की के अंदर एक कोई सिंगल uh, स्टेटमेंट भी होती है उसको आप क्या बोलते हैं लीड uh, बोलते हैं एलई डी राइट सो दिस इज अबाउट की उसके बाद हम फ्लोरा मैन फ्लोरा फोना फ्लोरा फोना क्या होता है फ्लोरा आप हो गया आपका कौन से प्लांट स्पीशीज उसके बाद फोना आपके क्या रहेंगे आपके मेजरली एनिमल स्पीशीज़ इसके अंदर कवर कवर होते हैं उसके बाद मोनोग्राफ क्या होता है कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सोन ये भी आपका इसमें आ जाता है मोनोग्राफ आपके किसी एक टैक्सोन के बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कैटलॉग कैटलॉग आर द सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन कैटलॉग भी होते हैं उसके बाद दे हेल्प इन करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लोरा एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया राइट मैनुअल्स में क्या है मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया सिर्फ एक एरिया के अंदर डिफरेंट स्पीशीज को जानने के लिए आप मैनुअल्स का यूज़ करते हैं राइट सो ये हमने कवर कर लिया आपका बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इलेवेंथ क्लास का हमने इसमें पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है ठीक है हर्बेरियम का हो गया जैसे की का हो गया ठीक है बोटैनिकल गार्डन्स हो गया लिविंग बोटेनिकल गार्डन्स में आपके मेजरली प्लांट्स आएंगे ओके म्यूजियम में आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज दोनों आएंगे तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ना बच्चों उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तभी आपका ये मतलब आप उसको सेलेक्ट करके और आप ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे ओके So thank you, thank you very much.